पार्टी में नई जिम्मेदारी लेने के बाद जब नरेंद्र मोदी ने बिहार के 1500 कार्यकर्ताओं से टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की तो तय हो गया कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं को जल्दी ही हाईटेक होना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी को गोवा में चुनाव अभियान समिति का दायित्व सौंपा गया है और उस अभियान के तहत इस काम की शुरुआत हो रही है अहमदाबाद के नवरंगपुरा इलाके में जब ये सभा दो गुजरात चुनावों में हुई जो तो इतिहास रचा गया ऐसा पहली बार हुआ कि देश के किसी नेता ने चुनावी रैली में थ्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हो नरेंद्र मोदी के चुनावी विजयी रथ में टेक्नोलॉजी कितनी अहम है इसका एहसास लोगों को भले ही अब हो रहा हो लेकिन इसकी नींव 2007 के गुजरात चुनावों में ही रख दी गई थी गुजरात बीजेपी एसएमएस और ईमेल के जरिए पत्रकारों और पार्टी वर्कर्स को पल पल की जानकारी दे रही थी हर रोज सवेरे छह बजे ही मुख्यमंत्री के पास एक सूची पहुंच जाती है जिसमें पिछले दिन उनसे जुड़ी हर खबर की जानकारी होती है इसके अलावा उनका मीडिया तंत्र इतना मजबूत है की पूरे देश की जानकारी चुपचाप उनके कंप्यूटर तक पहुँचती रहती है उनका एक गुप्त लेकिन पर्सनल ई मेल भी है जिस पर वह आईपैड के जरिए अपना काम ऑन दी मूव करते रहते हैं हमको अल्टीमेटली क्या है कि समाज जीवन को आगे बढ़ाना है तो समाज जीवन को आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी हमसे मदद रूप बनती है तो उसका यूज निश्चित तौर पे करना चाहिए जब 2009 में मोदी ने ट्विटर की दुनिया में कदम रखा तो कांग्रेस के नेता और मानव संसाधन राज्य मंत्री शशि थरूर ट्विटर पर भारत के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति थे लेकिन चार सालों में नजारा पूरी तरह बदल चुका है कुछ दिन पहले ही मोदी के ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या थरूर से आगे निकल गई। अब उनके 18 लाख बीस हजार छह फॉलोअर्स हैं, जबकि थरूर 18 लाख बीस हजार छ फॉलोअर्स के साथ दूसरे नंबर पर है तीसरे नंबर पर बीजेपी नेता सुषमा स्वराज पाँच लाख इक्कीस हजार के साथ हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के तीन लाख पाँच हजार फॉलोअर्स हैं। तो कांग्रेस के नए मीडिया प्रभारी अजय माकन के साथ दो लाख सड़सठ हजार फॉलोअर्स हैं नरेंद्र मोदी और शशि थरूर के बीच ज्यादा फर्क भले ही ना दिखता हो लेकिन जिस तेजी से मोदी के फॉलोअर्स की संख्या बढ़ी है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 20 जून को जहाँ शशि थरूर के 18 लाख दस हजार छः फॉलोअर्स थे वहीं मोदी के पास थे 17 लाख पैंतीस हजार आठ फॉलोअर्स 28 जून को थरूर अठारह लाख चौदह हजार सात सौ छप्पन पर थे जबकि मोदी सत्रह लाख छियानवे हजार दो सौ चौवन पर जा पहुंचे थे और 3 जून को मोदी के फॉलोअर्स थरूर लाख बीस हजार छह सौ बाईस से चौदह ज्यादा थे आज चाइना के बाद सबसे ज्यादा मोबाइल पॉपुलेशन है कहीं मोबाइल फोन का तो देश इस देश में है तो आप अगर गांव के कोने कोने तक पहुंचना चाहते हैं तो ये एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए पहुंच सकते हैं टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया में अब मोदी ने भले अपनी जगह बना ली हो लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं। कुछ समय पहले तक कट्टर मोदी समर्थक रहे और सोशल मीडिया एक्सपर्ट पार्थेश मानते हैं कि उनकी लोकप्रियता के पीछे काफी कुछ छिपा है के 50 से ज्यादा फॉलोवर्स फौल, है कई कंपनिया भी है जो उनके साथ जुड़ी हुई है फॉलोवर्स इंक्रीज करने में लेकिन चाहे वह ट्विटर हो या फेसबुक या फिर खुद की ही वेबसाइट न्यू और सोशल मीडिया में मोदी ने बाकी नेताओं को पीछे छोड़ दिया है शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में अपना नया सोशल मीडिया सेल बनाया है इसी उम्मीद में कि वह मोदी के कुछ गुर सीख कर पर इस्तेमाल कर पाए लेकिन शायद तब तक मोदी कोई नई तरकीब अपना चुके होंगे ब्यूरो रिपोर्ट अहमदाबाद जानो दुनिया